हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें देखना है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। टोटल 15 से 15 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ द टैंक। ओके, यहाँ पे होल कर देते हैं एक बॉटम ऑफ द टैंक में, ठीक है। उसके बाद टैंक हैविंग द वाटर इज द टोटल प्रेशर। तो ये मेरा टोटल प्रेशर, अगर मेरा कुछ यहाँ पे लेंथ एल में लग रहा है, मेरा पी एल कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ पी एल आ रहा होगा और यहाँ पे कुछ पी नॉट भी लग रहा होगा, ठीक है। आई होप सो आपको पता होगा। तो मेरा पी टोटल कितना आ गया, पी नॉट प्लस पी एल, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पे पी नॉट प्लस पी एल कर लो। पी नॉट कितना होता है, 1 atm होता है मेरा एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 atm दे रखा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 = PL आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ द लेंथ के ऊपर। ओके, बात करते हैं द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल इज। मेरे को वेलोसिटी बतानी है मीटर पर सेकंड में। इसको कर दो पी एल को इनवर्ट, 2 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मेरा पी एल आ गया, बहुत आसान तरीके से आ गया। अब आपको पी एल कैसे निकालोगे, पी एल आपका होता है रो जी एच, ठीक है। रो जी एच पी एल कितना आ गया मेरा, 2 × 10^5। रो कितना होता है वाटर का, 10^3 इंटू जी 10, और एच आ गया, एच कितना आ गया मेरा, 2 × 20 आ गया, एच कितना आ गया, 20। तब इसको वेलोसिटी चाहिए मेरे को, वेलोसिटी ऑफ द ई फ्लक्स क्या होती है, √2gh, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू 2 × 10 × 20, ठीक है। तो कितना आ गया, वी इज इक्वल टू 20 यानी 400 m/s। एकदम सही, फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, टैंक फिल्ड विद द अपर वाटर एच, ओके। वाटर इज अलाउड टू कम आउट फ्रॉम द पी होल, ओके। देन वॉल इज द डेप्थ ऑफ द डी एंड बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डेप्थ एक्स। अच्छा, मेरे को ये वाली एक्स वाली डिस्टेंस बतानी है। तो इसमें प्रोजेक्टाइल अगर करोगे तो ये वाई वाली डिस्टेंस कितनी आएगी मेरी, वाई वाली अगर मैं निकालूंगा, ये मेरी वाई वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, वाई वाला आ जाएगा मेरा ½ gt2। समझ गए, वाई वाली मेरी ½ gt2 आ गई। y कितना है मेरा, y है मेरा h − d इज इक्वल टू ½ gt2। समझ गए, ये आसानी से आ गया। t कितना आ गया मेरा, यहाँ पे t आ गया 2 h − d इन ब्रैकेट में अपॉन में g अंडर रूट में आ गया, ठीक है, अंडर रूट में आ गया। तो इस तरीके से जब आप करोगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमने निकाल लिया। वाई का आ गया मेरा h − d इज इक्वल टू ½ gt2, 2 × h − d अपॉन में हाँ जी अंडर रूट में टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी मेरा आ गया, टाइम पीरियड मेरा आ गया। टाइम पीरियड क्यों निकाला मैंने, क्योंकि जब एक्स निकालूंगा एक्स मेरा क्या आ जाएगा, एक्स मेरा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वी टी डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी √2gh इंटू टाइम कितना आ जाएगा, √2h − d अपॉन जी, इस तरीके से आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स आ जाएगा, एक्स कितना आ जाएगा मेरे को बता सकते हो, √2 √2, तो 2 आ गया बाहर, ओके। और जी से जी तो कट ही गया, तो बच गया क्या मेरा, एच कितना आ जाएगा, ये एच कितना रहेगा मेरा, एच ये डी रहेगा, क्या रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। तो डी इन ब्रैकेट में h − d इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। तो देख लो जिसमें आंसर देखने को मिल जाए, सेकेंड थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सिलेंडर हैविंग द 90 cm हाइट इन केप्ड इन अ फोर होल, ओके 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 एंड द हॉरिजॉन्टल फ्लोर द पी क्यू द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। आपके मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल किस में देखने को मिलता है आपको, जिसका सम मेरा कितना आ जाए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल मेरा जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल तभी आएगा जब इसका आर मैक्स कितना हो जाता है, आर मैक्स मेरा कितना आ जाएगा, h/2 होता है, ठीक है। एच कितना दे रखा है, 90/2 कितना हो गया, 45। जिसका 45 दे रखा होगा उसके ज्यादा से ज्यादा आपको, या फिर 45 के आसपास जो आंसर दे रखा होगा वो आपकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। 45 दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है 45, मेरा थर्ड का दे रखा है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड होल, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, ये दे रखी है मेरे को कॉन्स्टेंट। तो ये जो है पहला वाला जो है आपको क्या है, प्रेशर हेड है, ठीक है, ये मेरा प्रेशर हेड है। ये एच जो है मेरा, एच है मेरा ग्रेविटेशनल लेवल है, ठीक है, ग्रेविटेशनल हेड है। और इसको देख ही रखा था हमने, ये हमारे वेलोसिटी हेड है। तो देख लो जिसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाए, मेरे को सेकंड ऑप्शन में एकदम करेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड। अच्छा एक मिनट, सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा,
चलो, प्रेशर है, ग्रेविटेशनल है और वेलोसिटी है, एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फ्लैट प्लेट की जो एरिया दे रखा है फ्लैट सरफेस के, सेपरेटेड बाय द थिन फिल्म ऑयल इतना मीटर से सेपरेटेड है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतना दे रखा है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज द प्लेट स्लाइड ऑन द सर्फेस कॉन्स्टेंट स्पीड इज 1 mm। तो आप निकाल सकते हो, एफ आपका आ जाएगा एन ए डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। एन के अंदर क्या डालोगे, एन मेरा क्या आ जाएगा बताइए, विस्कोसिटी कांस्टेंट 1.5, एरिया कितना दे रखा है मेरे को, एरिया मेरे को 10^10.1 m से दे रखा है, वेलोसिटी का सेपरेट कितना दे रखा है, वेलोसिटी का सेपरेशन कितना दे रखा है, डीएक्स मेरे को दे रखा है, डीवी कितना है, डीवी का डीवी मेरा हो जाएगा 1 mm/s² दे रखा है ना, तो 1 × 10^-3 m/s आ जाएगा, और उसके बाद फ्लेम 10^-5 इस तरीके से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे बचेगा 10^-2, उसके बाद 0.2 × 10^-3 और ये 10^-4, 15 N आ जाएगा। तो 15 N मेरे को एकदम करेक्ट आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके का आपका आंसर जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 15 N आ जाएगा, 15 N यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है, सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, द थिन लिक्विड यहाँ पे फिल्म दे रखा है, फॉर्म बाय द यू शेप वायर, ओके, लाइट इन सपोर्टेड विद द वेट, ओके, 1.5 × 10^-2 दे रखा है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेंशन लग रहे हैं मेरे, तो टेंशन कितना आ जाएगा, 2TL आ जाएगा, 2TL इज इक्वल टू वेट आ जाएगा। क्या निकालना है मेरे को यहाँ पे, सरफेस टेंशन निकालना है ना, तो आप टेंशन निकालो, यहाँ पे टेंशन आराम से आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू वेट बाई 2L, एल की साइज दे रखी है ना आपको, वेट कितना 1.5 × 10^-2 डिवाइडेड बाई 20 cm, 13 × 10^-2, ठीक है, इंटू टू, माइनस टू से माइनस टू कट गया, ये मेरा 0.5 चला गया, ठीक है, 0.5 चला गया, ये नीचे 2 बच गया, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.025 आंसर चल जाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू किसके वजह से होता है मेरा, कोहेसिव फोर्सेस ऑब्जर्व बिटवीन द मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन मेरा दोनों से होता है, कोहेसिव एडहेसिव, ठीक है, तो सरफेस टेंशन मेरा कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स की वजह से भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर अगर मेरा इंक्रीज होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी मेरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन मेरा डिक्रीज हो जाएगा, तो मेरा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्क्वायर फ्रेम ऑफ द लाइट साइड एल डीप इन द लिक्विड, ओके, टेकिंग आउट द मेम्ब्रेन इज फॉर्म, द सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज टी, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम इज, तो कितना लग रहा होगा, जो मेरी साइड ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, एल स्क्वायर होता है, 4 × L कर दो, 4L होता है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा, 4L की बात कर रहा हूं मैं, आउटसाइड आउटसाइड का जो आ जाएगा, दोनों तरफ से डीप हुआ है तो 4L भी हो जाएगा, प्लस दूसरे साइड का भी 4L हो जाएगा, ठीक है, तो 4L आ जाएगा, तो मेरा टोटल लेंथ कितना आ गया, 8L, और मेरा सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, टेंशन मेरा हो जाता है F/L, तो फोर्स पहचाना, F इज इक्वल टू 8L × T, तो मेरा सेकेंड और थर्ड ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू ग्लास सेपरेट ऑफ द एरिया इज 0.10^-2 विद द फिल्म ऑफ वाटर 0.05 mm थिक बिटवीन देम, द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज, तो मेरे को सरफेस टेंशन दे रखा है, मेरे को फोर्स निकालना है, तो एरिया भी दे रखा है आपको, तो उससे एरिया से आप लेंथ निकालोगे, एरिया आ जाएगा मेरा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ कितना, एरिया कितना है 10^-2, लेंथ निकालनी है, थिकनेस कितनी 0.05, जब आप इसको निकालोगे तो आपका लेंथ कितना आ जाएगा बता दीजिए, आपका जो लेंथ है आई थिंक सो मेरे को यहाँ पे लेंथ यहाँ पे आप मेरे को देखने को मिलेगा 2 something, 400 देखने को मिलेगा आपको, 400 लेंथ आपको देखने को मिलेगा, और जब आप इसको सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर की अगर मैं बात करूँ, 70 × 10^-3 × L कितना आ जाएगा, 400, जब आप इसको करोगे तो आपका 4 7 28 आ जाएगा, ये जो दो है मेरे इन इन दो से हट गए और दो जीरो और बच गए मेरे, और दो जीरो बच गए, 400 × 10^-3, 400 के अंदर भी 10^-3 बचेगा ना मेरा, यहाँ पे भी तो बचेगा क्योंकि mm स्क्वायर है, मिलीमीटर है, तो ये 10^-3 तो बचेगा ही, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कर रहे हैं, जीरो का ही मामला है इसमें, 28 तो आपका आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा आपको, बस जीरो का है, जीरो का कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की,
ड्रॉप ऑफ वाटर रेडियस 0.01 mm फॉलिंग फ्रॉम द एयर कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, इतना दे रखा है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉप, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है आपको। टर्मिनल वेलोसिटी आपको पता है कितनी होती है, वी टी इज इक्वल टू 2/9, ठीक है, आर स्क्वायर रो जी बाय एन, रो जी बाय एन। तो इसमें वैल्यू डाल लो कितना आ जाएगा मेरा, 2/9, आर स्क्वायर कितना दे रखा है, 0.0515 × 10^-3 इंटू 0.015 × 10^-3, ठीक है। इस तरीके से वी स्क्वायर आर का स्क्वायर है ना, ओके, और इंटू रो इंटू 10 इंटू रो कितना दे रखा है, रो कितना दे रखा है आपको, डेंसिटी 10^1 × 10^3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरा, 2 × 10^-5, 10^-5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तब जाके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको देखना है कि कितना कितना आंसर आपका यहाँ पे आता है, तो इस फॉर्मूले में आपने डाल दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब रेडियस इज आर द लेंथ एल हुज एंड एन मेंटेन बाय द प्रेशर पी इज इक्वल टू इतना इतना। तो क्यू कितना है मेरा, तो क्यू मेरा 1/8 होता है, आपको पता होना चाहिए क्यू मेरा 1/8 होता है। तो 1/8 इंटू पाई पी आर 4 डिवाइडेड बाय एन एल, ये आपका आंसर होता है। तो 1/8 आ जाता है मेरा आंसर, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बॉल ऑफ डेंसिटी दे रखा है रो, ओके, मेरी बॉल ऑफ डेंसिटी रो दे रखी है, ड्रॉप इन द वेलोसिटी ऑफ द स्पीड सर्टन हाइट, ओके, बॉल चेंजेस नॉट चेंजिंग एंटरिंग वाटर इन लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज एन, देन द हाइट ऑफ द बॉल इज। तो क्या कह रहा है मेरे को, एम जी एच मेरा ग्रेविटेशन फोर्स ½mv² कह रहा है, ठीक है, ½mv² कह रहा है। तो मेरे को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाइट बतानी है मेरे को कि वेलोसिटी बतानी, बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वेलोसिटी की जगह पे क्या डालोगे यहाँ पे, मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई, √2gh, और वेलोसिटी की जगह पे आप ये टर्मिनल वेलोसिटी डाल दो तो आपका एच आ जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, आप भी देखी थी हमने, 2/9 आर स्क्वायर जी जी बाय एन, ये मेरी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जी बाय एन, रो माइनस डेंसिटी माइनस रो, ये भी हो जाता है आपका। तो जब आप इसको करोगे तो आपका आसानी से आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगा, स्क्वायर रूट में देखने को मिलेगा, कितना देखने को मिलेगा मेरे को, फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट लग रहा है, आप देख लेना आपके हिसाब से। स्मॉल स्पेयर ऑफ द रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द विस्कस फ्लूइड, द रिजल्ट इन हीट प्रोड्यूस ड्यू टू द विस्कस फोर्स, ओके। तो मेरी फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, तो फोर्स की अगर मैं बात करूंगा 6 πNrV, ठीक है, तो मेरा पी कितना हो जाएगा, E/T होता है, तो पी की जगह पे पी को क्या लिख सकता हूँ, F × V लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, तो वी को कर लो इंटू, तो मेरा एफ का आर आ जाएगा और वी का मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वी का मेरा आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वी का स्क्वायर होता है ना ये, वी का एफ की वैल्यू में जब डालोगे आप, एफ को डालोगे, एफ की वैल्यू डालोगे तो आर, बाकी सब कॉन्स्टेंट है मैं लिख नहीं रहा, आर इंटू वी हो जाएगा, आर इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा, वी का कितना आ जाएगा, वी का कितने अंदर, वी के अंदर आर स्क्वायर होता है, तो आर 4 हो जाएगा, आर इंटू आर 4 हो जाएगा, जब आप इसको इंटू करोगे तो आर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका पूरा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको अगर इससे आपको मदद मिल रही है एग्जाम के लिए, तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।